गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स हाउ आर यू आई होप यू ओला वेल स्टूडेंट्स टूडेल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर सोनाज एडवेंचर एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग बेटा वी हैव डन लास्ट चैप्टर द मैंगो ट्री बेटा आपको लास्ट चैप्टर की भी साथ साथ रिविजन करते रहना है बिकॉज मैम विल टेक योर टेस्ट ओके फर्स्टली विल स्टार्ट विद वॉर्म अप पार्ट एवरी वन इज स्पेशल वी ऑल नीड वन अनादर टू लीव अ हैप्पी लाइफ हमें हैप्पी लाइफ जीने के लिए एक दूसरे की जरूरत होती है ना टेक दिस फ्रेंडशिप क्वीज़ टू सी इफ़ यू आर अ गुड फ्रेंड्स आप ये फ्रेंडशिप क्वीज़ पर को फॉलो करो तो पता चलेगा कि आप अच्छे फ्रेंड हो या नहीं हो देखो फर्स्ट इफ़ अ न्यू बॉय और गर्ल्स जॉइंस योर क्लास वट डू यू डू यदि कोई न्यू बॉय और गर्ल आपकी क्लास को ज्वाइन करता है तो आप क्या करोगे स्माइल एंड ट्राई टू मेक फ्रेंड्स डोंट टॉक टू हिम स्पेंड ऑल योर टाइम विद हिम और हर क्या करोगे उनको स्माइल करके फ्रेंड्स बनाओगे या उनसे बात नहीं करोगे या पूरा दिन उनके साथ बिताओगे इट्स योर चॉइस आपको जो लगता है आप उस पर टिक करो ओके टेल्स यू योर फ्रेंड इज़ रियली नाइस वट डू यू डू यदि कोई कहता है कि आपका फ्रेंड नाइस nice है तो आप क्या कहोगे एग्री फील बैड या से दैट इट इज़ नॉट ट्रू या ये कहोगे कि ट्रू नहीं है यदि आप अच्छे फ्रेंड हो तो आप क्या करोगे एग्री थर्ड योर फ्रेंड इज सैड बिकॉज शी और ही हैज़ डन बैडली इन एन एग्जाम वट डू यू से यदि आपके फ्रेंड ने एग्जाम में बैडली किया तो आप क्या कहोगे डोंट वरी यू विल डू बेटर नेक्स्ट टाइम या यू शुड हैव स्टडीड आई हैव डन वेरी वेल दिस टाइम तो आप क्या कोगे यदि आप अच्छी फ्रेंड हो तो आप क्या कहोगे डोंट वरी यू विल डू बेटर नेक्स्ट टाइम फोर्थ योर फ्रेंड बोरोज़ अ पेन फ्रॉम यू आपकी फ्रेंड ने आपसे एक पेन बोरो किया एंड देन लूजेज इट और उसके बाद उसे खो गया वट विल यू डू टेल एवरी वन अबाउट इट सबको इसके बारे में बताओगे फॉरगेट अबाउट इट इसके बारे में भूल जाओगे टेल हिम और हर टू बी मोर केयरफुल नेक्स्ट टाइम या उसे कहोगे कि अगली बार केयरफुल रहे यदि आप अच्छे फ्रेंड हो तो क्या करोगे फॉरगेट अबाउट इट इसके बारे में भूल जाओगे राइट वट फ्रेंड यू वुड लाइक टू बी आई वुड लाइक टू बी अ फ्रेंड हु इज आप कैसे फ्रेंड बनाना चाहोगे देखो मैं तो ऐसा फ्रेंड बनाना चाहूँगी जो केयर हो और पंक्चुअल हो और कैसा हो सेल्फलेस हो ओके okay? और आप कैसे फ्रेंड बनाना चाहते हो यू विल राइट हेयर ओके नाउ वी विल स्टार्ट द चैप्टर इट वॉज़ अ वेरी होड डे कैसा डे है होड डे है अ मदर कैमल एंड हर डोटर सोना मदर कैमल और उसकी डोटर का नेम क्या है सोना व स्लोली वॉकिंग अलोंग इन द डेजर्ट वो डेजर्ट में क्या कर रहे थे चल रहे थे बेटा डेजर्ट क्या होता है अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड कवर्ड विथ सैन एंड लिटिल और नो वाटर और ट्रीज एक ऐसा एरिया जो रेत से कवर होता है जहाँ पर पानी और पेड़ नहीं होते या बिल्कुल कम होते हैं सडनली सोना स्टॉप अचानक सोना रुक गई आई कॉन्ट गो एनी एनी फर्दर आई एम वेरी थ्रस्टी आई वॉन्ट वाटर सोना ने क्या कहा कि मैं आगे नहीं चल सकती मुझे बहुत प्यास लगी है आई वॉन्ट वाटर मुझे पानी चाहिए यू सी दोज ट्रीज देयर सोना सोना तुम्हें वहाँ ट्रीज दिखाई दे रहे हैं ना यू कैन ऑल्सो सी ट्रीज देयर इन डेजर्ट वेयर देयर आर ट्रीज इस डेजर्ट में ट्रीज़ कहाँ से आए देयर इज वाटर वहाँ पानी भी है कम नाउ अब आओ हाउ लवली कितना लवली है सोना बिगेन वॉकिंग फास्ट सोना ने तेज तेज चलना शुरू किया वेयर कैन वी फाइंड वाटर इन डेजर्ट हमें डेजर्ट में वाटर कहाँ मिलता है आप सोच के मैं हमको बताना ओके द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड इज द सहारा डेजर्ट इन अफ्रीका जो लार्जेस्ट डेजर्ट है वो कौन सा है सहारा डेजर्ट है अफ्रीका में इंडिया हैज अ डेजर्ट टू इंडिया के पास भी अपना डेजर्ट टू है डेजर्ट है इट इज़ कॉल्ड द थार डेजर्ट और इस डेजर्ट का नाम क्या है थार डेजर्ट है इट इज इन राजस्थान और ये कहाँ है ये राजस्थान में है ओके okay, बेटा यू वट यू हैव टू डू एक तो आपको जो मैंगो ट्री वाला चैप्टर अच्छे से रीड करना है ओके और उसकी रिविज़न करनी है और इसको रीड करोगे जो मैम ने आपको आर्ट्स पढ़ाया है ओके और आगे क्या होता है वो पानी पीते हैं नहीं पीते पीते हैं तो उसमें क्या होता है वो कहाँ से आता है वी विल सीन द आर नेक्स्ट क्लास ओके बेटा बाय बाय एंड हैव अ नाइस स्टे